कैसे हो यार? आई होप यार आप लोग अच्छे होंगे। तो भाई आपके लिए फिर से नया वीडियो आपका भाई लेकर आ चुका है। आज मैं आ चुका हूँ, आप लोग गेस करो। कुछ गेस हुआ? वाह, नहीं गेस कर पाए। तो आपका भाई कब काम आएगा मेरे भाई? आज मैं हूँ वंटा पार्क में। आप वैसे ये बहुत ज़्यादा फेमस है वंटा पार्क, जैसे ये कपल्स के और ये जॉगिंग के नाम पर बहुत ज़्यादा एक वंटा पार्क फेमस है। आप लोग जानते हो गए, जो लोग नहीं जानते मैं इस वीडियो में पूरा उसके डिटेल में बताने वाला हूँ इस पार्क के बारे में। और यहाँ पर दो तीन गुंबद है तो वो गुंबद भी दिखाऊंगा। और एक यहाँ पर खूनी तालाब है जो बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ का खूनी तालाब। तो उस खूनी तालाब के राज्य और क्या है था उसका पीछे का कहानी, वो सारा इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो और अपना छोटा सा प्यार कमेंट में जाके बता दो क्या है आपका राय इस पार्क के बारे में। इस वीडियो के एंड में अपना कमेंट बता देना नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ, लास्ट तक देखते रहो। भाई यार बहुत डेंजर सीन है, बहुत डेंजर सीन है यार यहाँ का। देख शूटिंग करने लग बढ़िया करे, जंगल में आ गया भाई। हम लोग जंगल में एक्चुअली अभी घूम रहे हैं और यहाँ पर आओ तो थोड़ा ये बंदर वंदर का सीन ज्यादा कुछ है। यहाँ बंदर ज्यादा है तो सेफ्टी के लिए डंडा लेके घूमो। बट कोई फोन छीन ले तो फिर मिलना मुश्किल नामुमकिन हो जाता है, इसलिए ध्यान से आना यहाँ पर भाई। और डंडा तो सेफ्टी के साथ में लेके घूमना क्योंकि कभी बंदर का अटैक हो सकता है, इसलिए ध्यान दिया करो। तो बने रहो, देखते हैं कहाँ पर है वो पुल जिसको खूनी पुल खूनी तालाब बोलते हैं, तो उसके राज में बताऊंगा। तो बने रहो यार, देखते हैं कहाँ पर है वो, फिर बताता हूँ आपको आगे, बने रहो। तो गाइस यार एक्चुअली बहुत ज़्यादा यहाँ पर पहाड़ है तो भाई बंदर भी बहुत ज़्यादा। मेरा लाठी छूट चुका है उधर, कोई नहीं दूसरा मिल गया। उधर है, हाँ वही तो है, वही है कंफर्म, आई एम श्योर 100%। बट उसका रोड अलग होगा। अब भाई यार बहुत ज़्यादा जंगल है यहाँ पर, थोड़ा देर घूमने के बाद में फाइनली मुझे पता चल चुका है कहाँ पर है, तो देखते हैं यार। ओ गाइस फाइनली मिल चुका है, तो देखते हैं क्या है सीन वहाँ का। फाइनली मुझे वो जो खूनी तालाब के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है तो वो मुझे खूनी तालाब फाइनली मिल गया। तो यार ये पीछे देख सकते हो, ये खूनी तालाब बोलते हैं कि यहाँ पर दो तीन लोग कूद के मर चुका है। ये है मोंडा पार्क के अंदर ही पड़ता है तालाब। बट फाइनली यहाँ पर देख चुके हो, यहाँ पर कुछ भाई लोग भी है। तो भाई यार हाय लोग सब बोलना एक बार। हेलो फ्रेंड्स, भाई यार इसके बारे में कुछ पता है आप लोग, मतलब कुछ आइडिया कुछ बताओ इसके बारे में, कुछ कुछ पता है मतलब ये यहाँ पर कितने लोग मर गए? वैसे यहाँ पे 3-4 लोग कपल्स मर गए यहाँ पर कपल्स। आपका नाम दोस्त? आनंद भाई नहीं झील के बारे में। भाई यार यहाँ पर कपल्स ज्यादा मतलब मर गए थे इसलिए इसको खूनी झील के नाम से जानता है लोग। कपल्स मरते हैं यहाँ पर, और अब तो यहाँ पर जाली लगा दिया सेफ्टी सोसाइटी। जिसकी शादी नहीं होती तो जसवंत सिंह, वेट वेट, जसवंत सिंह फ्रॉम पूसा आईटीआई, थोड़ा फोटो दिखा भाई की, पूसा जसवंत सिंह फ्रॉम पूसा आईटीआई, ये आपको खूनी झील के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहता हूं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं। यहाँ पे इस झील में खूनी झील इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे लोग सुसाइड कर लेते हैं जो चाहते हैं कि ये जाना जाता है। एक्चुअली यहाँ पर होता था क्या पहले कि जो कपल्स से रहते थे तो मतलब समझ रहे हो ना, प्यार वगैरह के चक्कर में पड़कर, तो यहाँ पर आके वो मतलब एक्सीडेंट मर जाते थे कूद कर तालाब में। ये इसको इसीलिए इस तालाब को खूनी तालाब के नाम से जाना जाता है बेसिकली। और ये तालाब अभी तो सेफ्टी के लिए चारों तरफ से, इस तालाब को चारों तरफ से घेर दिया गया है। वैसे आप यहाँ पर सिर्फ घूम सकते हो आकर, वैसा कोई सीन नहीं है मतलब वहाँ नहीं घूम सकते, घूम सकते हो आकर बट। और इसीलिए इस तालाब को बहुत ज़्यादा मतलब बोला जाता है खूनी तालाब ऐसा। तो जो लोग ऐसे करते हैं गलत काम यार, ऐसे मत करो भाई, ज़िंदगी है जियो ठीक से और लाइफ में कुछ ना कुछ करोगे। ये सोचते हो कि जो लोग प्यार में धोखा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, सबका सोचने का थिंकिंग है। ढंग से अगर निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव आएगा, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव आएगा, दोनों में एक ही चीज़ है लेकिन सोचने का तरीका अलग होता है। तो ढंग से सोचो, कुछ ना कुछ जरूर सोच लोगे ढंग से। भाई यार इसको खूनी तालाब के नाम से बेसिकली जानता है तो पार्क वैसे ये खूनी तालाब, जिस तालाब को बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ ये मर्डर स्पॉट है, तो यार वैसे अभी बंद कर दिया गया है। देखो चारों तरफ से घेरा हुआ है, वैसे ये आप घूम सकते हो आकर यहाँ पर। और ये तालाब बन चुका है, यहाँ पर लड़की लोग मतलब एक्सीडेंट मर चुका है इसलिए खूनी तालाब के इस नाम से जानते हैं। तो यार ऐसे काम गलत मत करो, ध्यान दिया करो यार, लाइफ है, लाइफ जियो ढंग से,
लाइफ में बहुत कुछ है, ढंग से जी लो यार, लाइफ एक ही बार मिलता है मेरे भाई, तो ढंग से जियो, कुछ अलग करो ज़िंदगी में, नाम करो यार, क्या ये मरने वगैरह में पड़े रहते हो, तो ऐसा मत कुछ करो। और यही पुल मुझे दिखाना था आपको, ये देख लिए आपने लोगों ने, तो अब चलते हैं बाहर और थोड़ा अलग दिखाते हैं कुछ अलग, यहाँ पर कुछ को है क्या क्या बेसिकली है, चलो मैं दिखाता हूँ आगे, तो बने रहो यार आप लोग, देखते आगे है क्या यहाँ पर। जंगल तो बहुत ज़्यादा घना है वैसे, अगर आ रहे हो तो सेफ्टी से आओ और ध्यान से आओ, जिस रोड से आओ उसी रोड से निकल जाओ, ज़्यादा घूमने के चक्कर में ना, ज़्यादा घूमने के चक्कर में मेरे भाई घूम जाओगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये घना है। तो यार आपको कुछ मैं दिखाता हूँ, तो बने रहो आप लोग, देखते आगे क्या है यहाँ का सीन। तो कुछ सीन यहाँ का ये है, चलते हैं थोड़ा बाहर, अब देखते हैं क्या है बाहर का सीन, बने रहो यार आप लोग। तो गाइस यार यहाँ पर एक झूला भी टाइप का है, वहाँ पर कुछ ये बच्चे लोग खेल रहे हैं वैसे, तो झूले हैं थोड़ा पर यहाँ पर, और सही है वैसा। गाइस यार यहाँ पर कुछ पार्क है घूमने के लिए, आपको यहाँ पर कुछ पार्क मिल जाता है वंडर पार्क के अंदर में, अगर चार वंडर पार्क में एक मतलब लाल किले के जैसा का टाइप कुछ है यहाँ पर, बट आई थिंक बंद है कि खुला है पता नहीं, तो आपको मैं दिखाता हूँ वो है क्या बेसिकली में। इस किले के अंदर एंट्री करने के लिए गेट नहीं है एक्चुअली में, यहाँ किला ये बंद रहता है, तो बाहर से है ये देख सकते हो आकर, अगर आप आना चाहते हो तो ये बाहर से आकर देख सकते हो, ये कुछ जेल टाइप का ये किला है, पता नहीं कहीं पहले के ज़माने में कहीं जेल होता होगा पता नहीं यार, बट ये जेल टाइप का कुछ किला है और ये किला बंद है एक्चुअली में, अभी बंद है ये किला। तो गाइस अगर आपको उस किले के अंदर घूमना है तो आप 6 नंबर गेट से एंट्री करो, ये 6 नंबर गेट के बगल में जैसे एंट्री करो फर्स्ट में ही आपको किला ही दिखाई देगा, तो अगर 6 नंबर गेट से अगर आप एंट्री करते हो तो ये किला ही दिखाई देगा, जैसे ये देख सकते हो आप उस साइड में जो लोग आ रहे हैं वहाँ पर गेट है, और ये मेरे पीछे किला है, किला टाइप का बनाया गया वैसे लग नहीं रहा, मतलब किला ही है ये, बंद है इसलिए मुझे लग रहा है जेल, पहले के ज़माने में कहीं जेल होता होगा ये, क्योंकि जेल जैसा ही इसको अभी डिज़ाइन किया गया है, मुझे लग रहा है जैसे ये जो अंदर लोहा वगैरह लगाया है जेल जैसा गेट जैसा बनाया गया है, पहले के ज़माने में कहीं होता होगा मैं श्योर नहीं हूँ, बता दो पहले कि आप लोग बताओ कि हाँ मुझे पता नहीं है, बता दिया जेल है जॉल में, पता नहीं है मुझे लग रहा है वैसे कि ये जेल जैसा होगा। तो ये 6 नंबर गेट एंट्री करते समय ही है, अगर आप वो खूनी तालाब के पास जाना चाहते हो तो 6 नंबर गेट से एंट्री करो, आगे जाके ही आपको मिल जाएगा खूनी तालाब जो देखना चाहते हो। तो गाइस यार देखो मैं कहाँ पर जंगल में घूम रहा हूँ, बताओ यार दिल्ली में भी जंगल है भाई, जंगल से और ये तो जंगली जंगल है पूरा, ये इतना दूर फैला है कि आप अगर आ जाते हो ना तो जिस रोड से आ रहे हो इस पार्क के अंदर ध्यान रखना उसी रोड से बाहर निकलना मेरे भाई, नहीं तो घूम जाओगे इसके अंदर ना। तो ये पार्क पूरा हरियाली से भरा पड़ा हुआ है, पार्क में बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत ज़्यादा कुएँ हैं और पोखरा नदी बहुत है इसमें, माना जाए राजस्थान का गर्मी है जो दिल्ली में इसी पार्क ने रोक रखा है, राजस्थान का जितना गर्मी आता है तो इसी पार्क को हरियाली ने रोक रखा है ऐसे बोला गया है, मैं एक पता चला था मुझे यूट्यूब पर सर्च मारा था गूगल पे, तो मुझे पता चला था कि इस पार्क का जितना हरियाली है ना राजस्थान का गर्मी पूरा दिल्ली पे खेलता है, तो इस पार्क ने रोक रखा है पूरा, तो देखते हैं आगे क्या होता है यहाँ का। तो भाई यार अभी इस पार्क में मैं घूम ही रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा इस पार्क के बारे में पता नहीं था, बट ये प्रदीप भैया है इनसे मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में पार्क के बारे में घूम रहा हूँ इस भैया के साथ में ही, प्रदीप भैया ये रहे, और ये भैया पता है आपको क्या करते हैं, कुश्ती खेलते हैं कुश्ती में चैम्पियन मतलब खेल रहे हैं अभी, तो दिल्ली में यहीं पर कुश्ती होता है तो इनमें ये भैया खेलते हैं, तो इस भैया से थोड़ा बहुत इस पार्क के बारे में जानते हैं, तो अभी चलो बनते रहो देखते हैं आगे क्या। अंदर बहुत ज़्यादा है और ये बहुत घना पार्क है, अगर आप लोग आ रहे हो तो दो तीन चीज़ का ध्यान रखो, जिस रोड से अंदर जा रहे हो आप कोशिश करो उसी रोड से आ जाओ बाहर, नहीं तो आपको ज़्यादा पता है तो घूम लो, नहीं तो
मैं सजेस्ट करूँगा जिस अंदर जिस रोड से जा रहे हो अंदर ना, उसी से बाहर आ जाओ, क्योंकि ये बहुत घना पार्क है और बहुत दूर में भी फैला हुआ है। तो एक्चुअली मैं भी खुद घूम गया था थोड़ा दिन पे, अभी थोड़ा देर पहले मैं भी घूम गया था, थोड़ा एक भैया से हेल्प लिया फिर बाहर निकला था। हाय वाओ क्या लुक है, ये देखो गाइस। और फाइनली अब मैं जा रहा हूँ घर। तो यार कुछ यहाँ पर कुछ पर्सनल चीज़ें भी जो मुझे दिखाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने कुछ नहीं दिखाया आपको। जितना मुझे दिखाना था आप लोगों ने देख ही लिया। कुछ यहाँ पर बिहाइंड सीन मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि किसी और के लाइफ में क्यों जाके हम, किसी और का लाइफ अपना वो जो भी करे कुछ दिक्कत नहीं है। बट यार आप लोग इस पार्क पर आ रहे हो तो फैमिली के साथ में मत आओ, आना है तो कपल्स आते हैं बहुत ज़्यादा, जॉगिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये पार्क बहुत दूर में फैला हुआ है और ये बहुत घना भी है। तो यार मैं कहूँगा कि मतलब फैमिली के साथ मैं नहीं आऊँ, आना है तो आओ, आपकी मर्ज़ी है भाई, सब तो अपनी मर्ज़ी पर चलता है, बट अपना मर्ज़ी है तो करना है कर लो। मेरा जो बताना था मैंने बता दिया। बट यार कुछ मैंने क्लिप नहीं दिखा पाऊँगा, यहाँ कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि किसी और के लाइफ में मैं नहीं झांकना चाहता था, इसलिए मैं सोचा कि आपको किसी और के लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए क्यों। तो यार फाइनली अब मैं जा रहा हूँ घर, इस साइड से ये मेरा एग्जिट होगा एक नंबर से। तो गाइस और आज के लिए बस इतना ही आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे लाल करने के बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जो मैं वीडियो डालूँ तो आपको नेक्स्ट टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, खुद का ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अपने भाई का ख्याल रखें और अपने गर्लफ्रेंड का ख्याल रखो। यार गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड का ख्याल रखो। जो फाइनली में गाइस मैं जाऊँगा घर, तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो। जब तक लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो हमारा चैनल। तो फ्रेंड्स मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो, जब तक लिए बाय बाय। इसमें कट मारना।